उधर दिल्ली के गाजीपुर से भी दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। गाजीपुर में बेकाबू कार ने 7 लोगों को रौंद दिया। सड़क हादसे में एक महिला की मौत भी हो गई जबकि 6 लोग घायल हुए हैं जिनका इलाज पास के हॉस्पिटल में हो रहा है। इलाके में गुस्साए लोगों ने कार में जबरदस्त तोड़फोड़ की जबकि आरोपी ड्राइवर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया और आगे की जांच जारी है। आप देखिए किस तरह से ये कार आई। अचानक से कुछ लोग वहां खरीदारी कर रहे थे और इस कार ने एकदम से आके लोगों को वहां रौंद दिया। ये आप तस्वीरों में देखिए और ड्राइवर जो है आरोपी ड्राइवर उसको पुलिस ने हिरासत में ले लिया। कार में जबरदस्त तोड़फोड़ की गई। पुलिस ने वहां पर हालांकि शांत करने की मामला कोशिश की, आरोपी ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। एक महिला की मौत की खबर है जबकि 6 के करीब लोग जो हैं वो घायल हुए हैं। भीषण सड़क हादसा हुआ है गाजीपुर इलाके की, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तकरीबन 9:30 पौने 10 के करीब एक Hyundai गाड़ी थी, मॉडल अभी कंफर्म नहीं हो पाया बट शायद Hyundai Aura था। वो गाड़ी ये बुद्ध बाजार में लोगों को टक्कर मारते हुए आगे बढ़ी। इसमें काफी लोग इंजर्ड थे। पहले हमें खबर मिली थी कि 7 लोग हैं जिनको हमने मौके से लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल भेजा था। अब शायद 3 और इंजर्ड निकले, इनमें से एक ही क्रिटिकल है, उनकी डेथ हो चुकी है, बाकी सब माइनर इंजरीज। मैम जो एक्यूज है पकड़ा गया, अक्यूज्ड भी यहाँ पे मेडिकल ट्रीटमेंट करवा रहा है, वो पकड़ा गया है पुलिस की हिरासत में। मेरी बात हुई है, उन्होंने बताया, मेरी पीड़ितों से बात हुई है जिनकी चोट लगी है। लगभग 10 से 15 लोग थे जिनकी चोट लगी है, 6 से 7 अभी अंदर थे जिनसे मेरी मुलाकात हुई है। किसी के पैर में फ्रैक्चर है, किसी के कान में चोट लगी है, किसी सर में चोट लगी है। और मुझे भी बड़े दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि एक 22 साल की युवती की भी इसमें मृत्यु हो गई है। एक बहुत तेज़ रफ्तार कार ने जो कहर बरपाया है, मुझे लगता है इन तेज़ रफ्तार कारों के ऊपर ब्रेक लगना चाहिए कहीं ना कहीं। और ये कानून व्यवस्था भी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को मैं कहता हूँ कि वो कहीं ना कहीं तेज़ रफ्तार कारों पर ब्रेक लगाने का काम करें, इस पर इसको इंश्योर करें। लेकिन ये बहुत दुखद घटना है जिस तरह से हमारे मेरा फेस 3 के अंदर घटना हुई है। मॉर्निंग प्राइम में अब खबर महाराष्ट्र से आ रही है जहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा विवादों में गिर गई है। महाराष्ट्र बीजेपी के नेता राम कदम ने राहुल गांधी पर छत्रपति शिवाजी महाराज का अनादर करने का आरोप लगा दिया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मालेगांव में राहुल गांधी की यात्रा का एक वीडियो शेयर किया जिसमें राहुल गांधी की यात्रा छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा के पास से गुजरती नजर आ रही है। बीजेपी के नेता राम कदम का आरोप है कि राहुल गांधी ने छत्रपति शिवाजी महाराज का वंदन नहीं करके उनका अनादर किया है। तो ये तस्वीरें आप देखिए, बाकायदा एक वीडियो जारी किया गया है राम कदम की तरफ से और ऐसा आरोप लगाया गया है कि वहां छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनादर किया है राहुल गांधी ने। ये सीधे सीधे आरोप लगा दिया है। राम कदम ने एक्स पर ये पोस्ट किया है और वीडियो जिसमें छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा के सामने से राहुल गांधी गुजर रहे हैं और उनका कहना है कि उन्होंने अनादर किया। महाराष्ट्र बीजेपी नेता राम कदम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि राहुल गांधी तथा कांग्रेस दल का छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रति अनादर देखें, मालेगांव है क्या इस कारण राहुल गांधी ने हमारे शिवाजी महाराज को वंदन नहीं किया या वंदन करने से कुछ वोट कटेंगे, इस कारण क्या कारण था कि कांग्रेस के लोगों के साथ महाराष्ट्र हिसाब चुकता करेगा, ये भी उन्होंने लिख दिया है, एक्सपोज किया है राम कदम ने। उधर शिवसेना उद्धव गुट ने बीजेपी नेता राम कदम पर राहुल गांधी की छवि खराब करने का आरोप भी लगाया है। तो केवल राजनीति करनी आती है। राहुल गांधी जी की यात्रा निकल रही है, उस यात्रा को लेकर इतने डरे हुए हैं कि कैसे न कैसे राहुल गांधी की छवि इनको खराब करनी है, कोई भी अनर्गल आरोप उन पर लगाने हैं ताकि उनको एक प्रकार से देश विरोधी राज्य विरोधी घोषित किया जाए। ऐसा नहीं है भाई, राहुल गांधी जी समय समय पर जब भी महाराष्ट्र आते रहे हैं छत्रपति शिवाजी महाराज के सामने नतमस्तक होते हैं, उनके चरणों में झुककर उन्हें प्रणाम करते हैं। मॉर्निंग प्राइम में बड़ी खबर, देश के कई शहरों में सोना तस्करी का पर्दाफाश हुआ है। गुवाहाटी, बारपेटा, दरभंगा, गोरखपुर और अररिया में DRI की छापेमारी हुई है। सोने की तस्करी के बड़े रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। 61 kg, 61 किलो सोने समेत 19 लग्जरी गाड़ियां भी बरामद की गई हैं। 13 लाख रुपए कैश भी ऐसे में बरामद हुआ है। 12 लोगों को फिलहाल हिरासत में लिया गया है। तो 61 किलो सोना समेत 19 लग्जरी गाड़ियां भी जब्त की गई हैं। DRI ने ये सामान बरामद किया है
और एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया। 61 किलो सोना, अंदाजा लगाइए 19 लग्जरी गाड़ियां और 13 लाख रुपए कैश भी मिले हैं। और फिलहाल जो जानकारी मिल रही है 12 लोगों को हिरासत में लिया गया है। और मॉर्निंग प्राइम में अगली खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों को संबोधित करने वाले हैं। इसके साथ ही वो 1 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को लोन भी देंगे। ये कार्यक्रम दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में शाम 5 बजे होगा। इसी दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली मेट्रो के 4थे चरण में 2 अतिरिक्त कॉरिडोर की नींव भी रखने वाले हैं। पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों से सीधे संवाद करेंगे। 1 लाख स्ट्रीट वेंडर्स जो हैं उन्हें लोन भी बांटेंगे ये प्रधानमंत्री। उसके अलावा दिल्ली मेट्रो के कॉरिडोर की आधारशिला भी रखने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और सीए के तहत नागरिकता देने का पहला मामला सामने आया है। पाकिस्तान से आकर गुजरात के मोरबी में बसने वाले 13 पाकिस्तानी शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता मिली है। सभी शरणार्थी, सभी रिफ्यूजीज को ये दिया गया है प्रमाण पत्र। तो जो जानकारी मिल रही है 13 पाकिस्तानी रिफ्यूजीज हैं जिन्हें इंडियन सिटीजनशिप मिली है। गुजरात के मोरबी में ये नागरिकता प्रदान की गई है पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को। तो सीए के तहत ये नागरिकता प्रदान की गई है। और मॉर्निंग प्राइम में अब खबर पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल के जादवपुर में टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। बीजेपी उम्मीदवार अनिर्बान गांगुली के प्रचार के दौरान यह झड़प हुई है। जादवपुर बंगाल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां देखिए किस तरह से तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए। बीजेपी उम्मीदवार अनिर्बान गांगुली का प्रचार हो रहा था जिस दौरान ये झड़प देखने को मिली। जादवपुर बंगाल की तस्वीरें हैं। ये टकराव हमेशा इस तरह से तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच देखने को मिलती है और यहाँ अनिर्बान गांगुली हैं, बीजेपी उम्मीदवार हैं, बीजेपी कैंडिडेट हैं, उनके समर्थक भिड़ गए वहाँ तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ। जादवपुर बंगाल की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मॉर्निंग प्राइम में एक और बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से आ रही है। यहां शेख शाहजहां के करीबियों के ठिकानों पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने छापेमारी की है। ये छापेमारी 4 जगहों पर की गई है। तो जो शाहजहां शेख के करीबी हैं उनके ठिकानों पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की ये छापेमारी चल रही है। 4 ऐसे करीबी हैं शाहजहां शेख के जिनके ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। आशिका, कुछ और अपडेट इस खबर के बारे में? देखिए, फिलहाल ये छापेमारी चल रही है शेख शाहजहां से पूछताछ में। कई आर्थिक लेन देन के मामले सामने आए जिसके बाद ये 4 मछली व्यवसायी हैं जिसके घरों पर छापेमारी फिलहाल चल रही है। और केंद्रीय सुरक्षा बल की बड़ी टीम लेकर ईडी की टीम वहां पर पहुंची, ताकि की पिछली बार जब शेख शाहजहां के यहाँ पर छापेमारी हो रही थी जो घटना हुई वैसी कोई भी घटना दोबारा ना हो, तो शेख शाहजहां से पूछताछ में ही ये राज निकले जिसके बाद ये पूछताछ हो रही है। पंकज,